अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पाक फूड सीक्रेट्स में। आज की जो रेसिपी हम लोग लेके आए हैं वो है सूजी की पंजीरी। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सूजी है, एक कप हमने सूजी ली है, एक कप ही हमारे पास चीनी है, देसी घी लिया है हमने और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें बादाम, पिस्ता, खोपरा और किशमिश है हमारे पास। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें घी को गर्म करेंगे। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। हल्का सा इन्हें भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम लोग सूजी भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सूजी अपना कलर चेंज कर रही है। जब इसका कलर हल्का गोल्डन होगा तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। सूजी हमारी गोल्डन हो गई है और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पंजीरी हमारी तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। जी तो हमारी मज़ेदार पंजीरी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है और इसको आप बना के 2 महीने के लिए किसी भी जार में रख सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी और बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।